हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी इंडियन फ्लेवर। आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाना मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने ट्रेडिशनल मोदक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। ट्रेडिशनल मोदक भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, तो आप लोग इस गणेश चतुर्थी में इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये बनाते हैं साबूदाना का मोदक। इसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया था, उसको आधा कप पानी में मैंने सोक करके रखा था 5 से 6 घंटे के लिए, और उसी में मैंने 2 टीस्पून चीनी डाल दिया था। अब ये इसको मैंने छन्नी में अच्छे से छान लिया है, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी था शुगर सिरप वो निकल गया है। अब मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। अब घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और ये साबूदाना को हम इसमें डालेंगे। इसको पकाएंगे, 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। जैसे आप साबूदाना खिचड़ी बनाते वक्त इसको पकाते हैं, उसी तरह इसको हमको 2-3 मिनट के लिए पकाना है, ट्रांसपेरेंट होने तक। ये देखिए, धीरे धीरे साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और ये जब तक पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और ये मेरी स्टफिंग, जो मैंने ट्रेडिशनल मोदक बनाया था उसकी स्टफिंग रखी है, बच गई थी, मैं उसको इसमें यूज़ कर लूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्टफिंग मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे हमारे साबूदाना मोदक को अच्छी सी टाइटनेस मिलेगी, जो कि इसको एक अच्छा शेप देने में हेल्प करेगी। इसको चलाते रहना है। और आपको मेरी ट्रेडिशनल मोदक की रेसिपी देखनी है तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके ट्रेडिशनल मोदक की रेसिपी देख सकते हैं। अब ये स्टफिंग डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये गुड़ का कलर इसमें थोड़ा आ जाएगा। और उस स्टफिंग में नारियल था और गुड़ था, चीनी। ये साबूदाना हमारा अच्छे से पक चुका है और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आ चुकी है, जो हमको इसको शेप देने में बहुत हेल्प करेगी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से, तब हम इसे मोल्ड में डाल के मोदक का शेप देंगे। ये देखिए, मैंने मोल्ड ले लिया है। अब इस मोल्ड में हम ये साबूदाना डालेंगे अच्छे से प्रेस करते हुए, दबाते हुए, ताकि ये चारों तरफ से मोदक का शेप ले ले। कुछ मैंने तैयार करके भी रखे हैं पहले से, ये आपको दिखाने के लिए मैं इसको अच्छे से प्रेस करके शेप दे रही हूँ। पूरा ऊपर तक हमको फिल कर लेना है इसको। अब इसको हमको खोलेंगे। ये देखिए, इसका कितना सुंदर शेप आया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इसको हल्के हाथों से हमको निकाल लेना है। ये देखिए, चारों तरफ से इसका कितना प्यारा शेप आया है, और कलर भी। ये मैंने इतने मोदक अभी तैयार करके रखे हैं, बाकी के मोदक मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। साबूदाना के मोदक बिल्कुल मोती की तरह दिखते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम रखा है मोती मोदक। ये देखिए, हमारे साबूदाना के मोदक बिल्कुल तैयार हैं गणपति जी को भोग लगाने के लिए। इस गणपति में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।